बात की कि आयरलैंड सीरीज में जो आपने गियर चेंज किया और उसी प्लानिंग के साथ जाएंगे, हमने देखा कि आपने एक ओवर में 4 छक्के मारे, तो ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था। और मजीद इस तरह की हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे आपकी तरफ से। देखें वो उसमें हमने जो है वो अपना माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि पहले मैच के बाद देखें जो उसके बाद हमने डिस्कशन की कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, तो उसके बाद हमने जो है वो प्लान जो अपना वे ऑफ प्लेइंग का वो जो है वो स्टाइल थोड़ा चेंज किया। डिपेंड करता है, देखें सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, हम उसको भी फॉलोअप कर रहे हैं। ये नहीं कि आप जाके सिर्फ जो है वो छिक्के चौके मारे, क्योंकि सब लोगों को ये है कि हम छिक्के चौकों पे ही रहें, लेकिन उसमें हम जो है वो बीच में आप जो सिंगल डबल्स भी हैं वो मैटर करती हैं। उसमें भी अगर आपने 12 या 13 के रन रेट आपने अचीव करना है, तो आप एक बाउंड्री दो बाउंड्री और साथ उसके साथ सिंगल डबल पे भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है और ये हम इसको काफ़ी देर से कर रहे थे। एग्जीक्यूट जो हमने पिछली सीरीज में किया उसमें हेल्प मिली, तो इससे एक डिफरेंट आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कोई चीज़ को अचीव करते हैं तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है एज अ टीम एज अ प्लेयर, तो उसको हमने डेवलप किया और उसमें सिर्फ प्लेयर को मैसेज ये किया कि आप अपना जाके इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे और वो हमें मिले और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखें जिस जहाँ तक आपने वो सिक्स की बात की है, उसमें सिचुएशन ऐसी थी, डिमांड जो थी वो सिचुएशन डिफरेंट थी। टारगेट था कि उस दौरान मुझे लगा कि ये बॉलर को टारगेट किया जा सकता है, तो उसमें भी वो पावर था कि वो जो है वो गेम थोड़ी सी हम चेंज कर सकते थे। तो हमने जो मैं रजवानी यही था कि हमने उस पर प्लान किया कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अल्लाह ने वो करवाया और उसमें थोड़ा सा जो है वो गेम जो है वो जो हमने प्लान किया था कि 17-18 में हमने फिनिश करना, तो वो 17-16 में हो गया। आखिर okay।